हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मेरी फेवरेट मिष्टी दही की रेसिपी लाई हूँ जो कि हमारे कोलकाता की शान है आई कैन प्राउडली से कि कोलकाता से अच्छी मिस्टी दोई कहीं नहीं मिलती कहीं नहीं तो लिटरली कहीं नहीं तो चलिए इससे बनाने का तरीका जान लेते हैं सबसे पहले एक मसलन क्लोथ में हम थोड़ा सा एक कप के तरह दो कप की तरह दही लेंगे जितना आपको बनाना आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले लें उसको एक कपड़े में डाल के मसलिन क्लोथ में एक घंटा उसको छनने के लिए छोड़ देंगे एक तरफ दूध बॉयल होने के लिए रख देंगे एक तरफ उसके लिए कैरमलाइज बनाएंगे कैरमलाइज के लिए आपको सिर्फ पैन गर्म करके उसमें सिर्फ शक्कर को अच्छी तरह मेल्ट होने तक पका लेना है बस जैसे वो मेल्ट हो जाए उस वक्त बहुत ट्रिकी होता है आप ध्यान देता कि वो जल ना जाए ऐसे करमलाइज स्टेक तक पकाना है और हमने जो दूध बॉईल करके रखा है तीन कप उसमें से एक कप डाल के केमलाइज के साथ पका लेंगे मेस शयर कि आपका बॉटम जरा डा डीप हो ताकि दूध उबल के बाहर तक ना आए उसके बाद आपको कैरमलाइज के साथ दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है उस मिक्स को ठंडा कर लेना है मिक्सर को और हमने जो दूध गाढ़ा करके रखा है रिड्यूस करके उसको उस शक्कर के दूध के साथ और भी तीन मिनट तक बॉईल कर लेना है आप सेपरेट किया हुआ जो हंकड़ है वो कड़ से जो पानी अलग हो जाएगा तो गाढ़ा दही हमारे पास आ जाएगा उसको हंकड़ कहते हैं उसको आपको अच्छी तरह फेंट लेना है फेंटने के बाद जब आपका दूध और शक्कर का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके हंकट में मिला लेना है एकदम वो लुक वार्म होना चाहिए ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ठंडा ऐसा भी नहीं कि गर्म आप उंगली डाल के चेक करें तो आपका उंगली बर्दाश्त कर सके आप उसके बाद आपको एक क्ले पॉट में उसको डाल लेना है छोटे छोटे मोल्ड में जिसमें आपको सेट करना है उसको अच्छी तरह कवर करके ज़रूरी नहीं आप फॉइल पेपर से करें आप चाहे तो किसी ढक्कन जिसमें भी आप करना चाहते हैं छः घंटे के लिए उसको सेट होने के लिए रख दे आप क्या और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है देखिए